हेलो दोस्तों, आज मछली डाले हुए मुझे तकरीबन 1 महीना 1 हफ्ता हो गया है। 20 जून को मैंने डाला था मछली, 2.5 इंच की सिंगी थी, तकरीबन 2 से 2.5 इंच की, 1 ग्राम के आसपास, 1200 लाइन की मछली थी, यानी कि 1 केजी में 1200 पीस के आसपास थी। और तलापिया कुछ छोटी थी, वो भी 1600 के आसपास में थी, तो डेढ़ इंच की तलापिया थी साइज में। और सिंगी 2 से 2.5 इंच के नियर अबाउट में थी। तो मैंने एक टैंक खाली किया है था कुछ दिन पहले, तो एक मिस्टेक हुआ, जो होल था वो ड्रेनेज लाइन का वो काफ़ी बड़ा हो गया, जिससे मछली काफ़ी इधर उधर पास हो गई, इस टैंक में मिक्स हो गई सारी मछली, कोई इस टैंक में कोई इस टैंक में, तीनों टैंक चार टैंक जो इंटरकनेक्टेड है बड़े होल की वजह से वो मिक्स हो गई है। तो वो टैंक बिल्कुल खाली था, कुछ मुझे 50-60 पीस ही मछली पकड़ाई। तो आगे देखते हैं, आज मैं एक टैंक दो टैंक खाली करूंगा हो सकता है तो, और उसका साइज और वेट करूंगा क्या स्टेटस है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में उसका चेकिंग करूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ, आखिरी तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में मुझे कुछ सजेस्ट करना हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट्स लाइन खुला हुआ, उसमें आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तो चलें देखते हैं फील्ड पे क्या हाल है। स्टूडेंट और टीचर और एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके ज़रूर लॉगिन करें, यहाँ पे आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, क्विज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टीचर्स स्कूल कॉलेजेस वगैरह का सर्च कर सकते हैं अगर आपको ट्यूशन वगैरह की या एडमिशन की ज़रूरत होगी, या फिर आप एक टीचर स्टूडेंट वगैरह का सर्च कर सकते हैं जिसको ट्यूशन वगैरह चाहिए, और बहुत कुछ है यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड। आप अगर स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या किसी तरह से भी जुड़े हुए हैं आप एजुकेशन लाइन से, तो यहाँ आप एक बार ज़रूर से ज़रूर लॉगिन करें, रजिस्टर करें। ये আমার বাচ্চু দা আছে, এ আমারা বাচ্চু ভাই হ্যায়, আর ইয়ে 1 মহিনে 1 হপ্তা ইয়ানি 37 দিন কে বাদ কা প্রোগ্রেস রিপোর্ট হ্যায় মছলি কা। আপ জো কে মানে 20 জুন কো ডালা থা 2020, आज है 27 27 जुलाई। तो ये हमारा कंप्लीट रिपोर्ट है,
आप दिखाते हैं आपको मछली, दिखाए थोड़ा, ये देख सकते हैं साइज है एक एक मछली का। अच्छा अच्छा एक महीने में ये सारा का सारा सिंगी है, एक महीने में इसका ये साइज है, एक महीना यानी 37 दिन का ये है। तलापिया तो दिखाओ तो, हाँ वो खाने दिए ना, हाँ तलापिया था किलो में, सारा इसमें मिक्स है, तलापिया मांगूर सिंगी दिए था एक अंदर बारिश। ये तलापिया का साइज है जो कि काफ़ी छोटा मैंने डाला था 37 दिन पहले 20 तारीख को, एक थोड़ा पकड़ना इधर आकर के वगैरह दौड़ो। ये ग्रीन तलापिया मोनोसेक्स, एक का साइज में ये देखें थोड़ा ग्रीन ग्रीन है ऊपर में, आप देख सकते हैं हर तरह का ग्रीन रेड तिलापिया आता है तो आप इसको ग्रीन तिलापिया बोलते हैं। ये बहुत छोटा मैंने डाला था कुछ इस साइज़ का, एक इंच डेढ़ इंच का, आज के डेट में ये 5 इंच के आसपास का हो गया। ये टोटल हमारा रिपोर्ट है, जैसा ये मैंने वहाँ से उस टैंक से निकाला था मछली सारी, तो ये देख सकते हैं साइज़ काफ़ी बड़ी है, काक मछली छोटी है, बाकी सब मछली की साइज़ तो काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेस है। ये देखें तो सिंगी की भी, सिंगी का भी साइज़ आप देख सकते हैं, सबको मैं एक कभी एक टैंक में डाल दूँगा, वो टैंक खाली हो जाएगा तो मैं उसे कुछ देखे, कुछ मछली तो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अभी इसमें से 10 मछली मैं निकालूँगा, उसका साइज़ करूँगा क्या एवरेज साइज़ है। तो मैं निकालता हूँ, ये 10 तिलापिया है, आप साइज़ देख ही सकते हैं काफ़ी, मैं का साइज में दिखाता हूँ, ये साइज देखें काफ़ी बड़ी है, वैसे कुछ तो काफ़ी अच्छी बड़ी हुई है, कुछ तो काफ़ी बड़ी हुई है, जैसे कि ये देखें एक मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज़ है, ये आपको कह सकते हैं ये देखें टोटल यहाँ से अगर आप लेंगे तो टोटल ये 3 इंच की साइज़, 3 इंच की साइज़ की ये तिलापिया हो गई है। तो अभी वेट करते हैं, वेट मशीन, ये वेट मशीन है, अभी केजी पे है तो इसको ग्राम पे ले आते हैं, एक ग्राम का सेटिंग हो गया, 8 ग्राम का है, यानी कि एक हो गया 8 ग्राम के नियर अबाउट में है, और डाला था जब मैंने वो 1 ग्राम से कुछ कम थी, अभी 8 ग्राम के आसपास की है, ये 85 ग्राम है, 10 मछली 85 ग्राम, तो एक मछली आपको 8 ग्राम के आसपास की हो गई है।
अभी सिंगी का करेंगे, ये 10 पीस सिंगी और मांगूर का मिक्सचर है। ये देखिए आप, ये मांगूर है, ये कम काटती नहीं है, ये कम ही काटती है। इसका काटा बहुत छोटा होता है और इसका कलर भी ब्लैक होता है, आप देख सकते हैं कलर ब्लैक है। ये मांगूर है, देसी मांगूर, और देसी मांगूर और सिंगी का डिफरेंट ये है कि ये रेड कलर की है, आप देख सकते हैं इसको, ये देखें ये रेड कलर है। और ये जो है इसका सर जो होता है काफ़ी पतला होता है, इसका कांटा बहुत शार्प होता है, तो इसके कांटा से बच कर रहिएगा, ये काटती बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी इसे पकड़ें तो बहुत काफ़ी होशियारी से पकड़ें, क्योंकि जब काटती है तो काफ़ी दर्द होता है उस वक्त, बड़ी काटी तो आपको बुखार तक भी लग सकता है। तो इसका कांटा, इसका सर देखें आप, एकदम पतला है। और जो हाइब्रिड मांगूर होता है वो इसी तरीके का होता है, मगर इसका कलर ब्राउन होता है और सर काफ़ी लंबा होता है उसका, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड मांगूर इंडिया में बैंड है, बहुत वजह से उस खाने से बीमारी होती है, वो खुद को खाना नहीं मिलने से वो खुद को खाने लगते हैं, और आखिरी में आपको सिर्फ एक ही पीस हाइब्रिड मांगूर का आपको दिखने मिलेगा। तो ये अभी मिक्सचर है, आप ये देख सकते हैं, ये मांगूर है, देसी मांगूर, ब्लैक, सर छोटा। चले ले ठीक है, एक महीने के बाद है पूरा सिस्टम। ऐटा वालो भालो, ये देखें मछली एक महीना के बाद की है ये, और तकरीबन 1000 पीस वही गई। चलो अब ओटा ही होलो, होल तो बेसी हो गया छोटा। আমার বন্ধু হয়ে গেছে, আমার মারছে না, একটাই মারলো। तो ये था एक 40 दिन के बाद का रिपोर्ट। आगे का अपडेट पाने के लिए आप बने रहें मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें या कमेंट्स भी करें।